हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। सो आज हम लोग जा रहे हैं और यहाँ की सिचुएशन देख रहे हैं कि कोरोना के बाद यहाँ सिचुएशन कैसी है। आपको पता ही होगा जर्मनी ने कोरोना को बहुत अच्छे से जीत लिया, तो हम लोग कुछ लोगों से लोकल लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो लेट्स गो विथ मी टू सी व्हाट इज ऑल अराउंड आफ्टर कोरोना। लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग हैं मार्क प्लास पे और मार्क प्लास पे ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये प्लेस जो है ये फेक प्लेस बनाया हुआ है फॉर चिल्ड्रन। एंड अभी जब कोरोना ज़्यादा प्रॉब्लम था तो ये सब कुछ बंद था, बट नाउ इट्स ओपन और लोग बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। प्लस यू कैन सी बैक साइड ऑल्सो लोगों को अब कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज अगेन यहाँ पर कोरोना जो है नाउ इट्स गुड, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स वाई लोग आराम से घूम रहे हैं। मास्क बाहर लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट शॉप्स के अंदर मार्केट प्लेस पे या फिर मॉल्स में लगाना इम्पॉर्टेंट है। गाइज अभी हम लोग वेजिटेबल मार्केट में हैं और आपको वेजिटेबल मार्केट दिख रहा होगा, तो अगर किसी को कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो मास्क लगाया हुआ है, अदरवाइज़ ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये वेजिटेबल और फ्लावर मार्केट है और यहाँ पर सिचुएशन देखने में बहुत नॉर्मल लग रही है। गाइज अभी हम लोग हैं इंडियन रेस्टोरेंट गणेशा। गणेशा इज़ इंडियन रेस्टोरेंट और हम यहाँ पर पूछेंगे कि कोरोना के बाद सिचुएशन कैसी है। एंड लॉरा इज़ ऑल्सो विथ मी, तो वी विल हैव इंडियन टी हेयर और द समथिंग एल्स और समथिंग एल्स, सो लेट्स सी और पूछते हैं। गाइज हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में हैं और गणेशा में हैं एंड आई फाउंड वन इंडियन हेयर, तो हम इनसे पूछेंगे कि रेस्टोरेंट में इन्होंने कोरोना के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंजेस करी हैं और कितना इफ़ेक्ट हुआ है इनके रेस्टोरेंट में बिजनेस में और ये कैसे टैकल कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी जरूर जी, पहले तो नमस्कार सबको। तो इसके बाद जो कोरोना था उस टाइम जब शुरू हुआ था उस वक्त तो हमको सपोर्ट जो रेस्टोरेंट था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि जो जर्मन का कानून है उसके हिसाब से हम जो रेस्टोरेंट था उन्होंने बोला था कि रेस्टोरेंट है बंद करने पड़ेंगे, तो हमको बंद करना पड़ा था। तो उस वक्त हमको जो जो हमारे खर्चे थे वो किराया वगैरह था, जो इधर के फशीशनों वगैरह है, जो हमारे अपने पर्सनल खर्चे हैं वो तो मंथली हमको पड़ रहे थे क्योंकि इनकम किसी तरफ से नहीं आ रही। तो हम तो यही सोच रहे थे कब ये बीमारी हटे तो हम रेस्टोरेंट ओपन करें। तो जब कोई हमको नहीं दिखा तो हमने उस वक्त इसको ओपन किया, सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हो। तो जो हमारे कस्टमर थे जो इंडियन खाना खाना चाहते थे वो हमारे पास आते थे तो खाना लेके चले जाते थे, पर वो इतना कोई ख़ास बिजनेस नहीं था, पर वो उसमें भी हमको लॉस हो रहा था। तो हौली 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 हमने अपने डिलीवरी सर्विस जो डिलीवरी होती है वो शुरू कर दी। थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ठीक है, हमारे जो खर्चे वगैरह थे वो हमको चलने शुरू हुए, माइनस नहीं हुआ कि यानी कहने का मतलब बराबर बराबर होने लग गया शुरू। तो फिर डेढ़ मंथ हो गया रेस्टोरेंट ओपन हुआ, पर वो इतना काम नहीं है जितना पहले होता था, पर लोग अभी भी डरते हैं क्योंकि जहाँ पे हमारा जो शहर है जहाँ हमारा रेस्टोरेंट है जो एक श्वेबिश कमुंड है, श्वेबिश का मतलब है एक जर्मन शहर, एक जर्मन इनका ठेठ शहर, जहाँ पे ज़्यादा बुढ़े लोग हैं, ये जो बुढ़े लोग हैं जो अल्ट लोग हैं जो कम निकलते हैं बाहर, तो आप भी इस रेस्टोरेंट में अभी तक बैठे देखोगे आपको ज़्यादा उम्र वाले दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस शहर में थोड़ा अभी टाइम लगेगा, चलेगा जरूर जैसे पहले चलता था, पर मेरे को आई थिंक लगता है हमको थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर भी हमारे को इसने हेल्प की, अभी भी कर रहे हैं कोर्स आर बाय टू, जो जितना हम काम दे रहे हैं अपने वर्करों को, जो बाकी के उसके लोन हैं वो जर्मन गवर्नमेंट के। और आप मुझे एक चीज़ और बताओगे, जैसे मास्क जो है मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट्स में मास्क लगा के जाना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप मास्क लगा के अंदर जाना इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें करनी होगी? बाहर हो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो, पूछो हमसे
टेबल फ्री है, हम बोलेंगे बैठ जाओ बिना मास्क से. अगर आपको ठंडी ठंड का मौसम है, आपने अंदर जाना है और टॉयलेट वगैरह करना है, बरतना है, तो आपको जो दरवाजे से अंदर जाने से पहले आपको मास्क लगाना चाहिए. फिर जब बैठ जाएंगे तो मास्क. हाँ, जब आप टेबल पे बैठ जाओगे तो आप मास्क उतार सकते हैं. मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ कुछ जो पुलिस हैं वो चेक कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, तो यहाँ पर भी आए क्या चेक करने की आप पूरे फॉलो कर रहे हो? अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं. अप स्टंट है, ये देखो हमारा टेबल कितनी दूर है. इन्होंने अप स्टंट रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? अच्छा, वो सब टेबल वगैरह लगाए थे उस दिन वो आए थे. उन्होंने हमारा मीटर से चेक किया था कि आप जो अप स्टैंड है, अप स्टैंड का मतलब जो कितना डिस्टेंस रखना है? डेढ़ मीटर या पोल्ट्री फॉर्म से 150 मीटर. सो थैंक यू सो मच, आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम दिया एंड दैट्स वेरी गुड कि आप हमें कोई हिंदी या उर्दू में बोलने वाले लोग मिल गए. तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगा उससे कि यहाँ पर जर्मनी में कैसा हो रहा है. तो थैंक यू. नहीं वेलकम. थैंक यू. ऑल्सो जो भी कस्टमर इन टेबल्स में बैठ रहा है उन्हें अपनी डिटेल्स फिल करनी है. इट्स ऑल्सो अ मेजर जो कि सारे रेस्टोरेंट्स को लेना है, जो कि गवर्नमेंट ने पहले से ही बताया हुआ है. सो गाइस, आई एम इन फ्रंट ऑफ H&M और अगर हमें किसी भी मॉल या किसी भी शॉप पे जाना है कुछ खरीदने के लिए तो हमें मास्क लगा के जाना है. अब जब भी कोई भी अंदर जाएगा वाई शॉपिंग मास्क पहनना है. सो मैं मास्क लगा के दीज टू यंग गाइज आर देयर विथ मी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क आफ्टर लाइक दिस करोना इज देयर एंड वी नो दैट लाइक आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल अराउंड एंड फॉर यू गाइज माइट बी यू आर गोइंग टू पब एंड डिस्क. So how it affect your life, whether you are missing that life or it's okay for you guys? For me personally, it's quite okay. So I think in Germany we still have a very good situation. We had a lockdown for 6 weeks or something like that. And right now it's, we have to wear a mask when we go shopping. But And in the beginning when there was a restriction like only 2 or 3 people can go out, and that was a difficult times for you guys or not? For me personally it was okay. I mean for some people like I think artists or musicians it was a big problem, but for me as a student when I just met one person, so it was okay. It wasn't for that long. Okay. And now we are able to meet more people. And what you wanted to tell my guys, my people, my subscriber about Germany, because I'm from India and I know Germany has very good solved this problem, like corona problem. So what you wanted to tell? You are Deutsch or are you German? Yes. So you can tell about the German. Germany is tackling this very, very good and in a best way. सो इन लोगों से बात करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 6 वीक जो था वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, पर धीरे धीरे जर्मनी में ने एक एक चीज़ जो है वो नॉर्मल कर दी. तो इन लोगों को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. 6 वीक वॉज लाइक कि इन लोगों ने बोला कि हमने अपना जो पर्सनल टाइम है वो एक दूसरे को दिया या अपने लोगों के साथ दिया. एंड दे आर नॉट मिसिंग द थिंग्स लाइक पब डेज कि अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट्स अबाउट देम एंड आई फील रियली गुड आफ्टर टॉकिंग विद देम कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो नॉर्मल है और लाइफ इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट भी नहीं हुई है कोरोना से. वेरी सिंपल. ओके, थैंक यू. सो गाइज, अब हम लोग हैं बानोफ का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे भी जो भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं. बसेस जो स्टार्टिंग में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सब फ्री कर दी थी ताकि लोग कांटेक्ट में ना आए, बट अब जो है वो बसेस में वही है कि आप जाओ मास्क लगा के ही बैठना है एंड देन उतर सकते हो. और ट्रेन में भी आई थिंक द सेम है, और ट्रेन भी आ गई है. तो दीज यंग
girls are there with me, and I'm asking about the corona. So after corona, how you feel, like the situation is better for you or it's worse for you? How it is? Well, it's kind of weird in school, like we only have 2 days per week where we are getting teached in school. Mm-hmm. So it's kind of crazy. Mm-hmm. I don't know how to explain it, but okay. So do you miss something after corona things? Do you miss something? I was missing something and I'm not getting that. No, not really. I can hang out with my friends and I'm still getting educated, so. Uh-huh. So which class are you in? I'm in 8th grade. 8th grade? Yeah. Oh, wow. Thank you so much for sharing your experience. You want to come? स्कूल गर्ल्स के लिए ये टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ उनको हमेशा पूरे टाइम घर पे रहना पड़ता था, जो कि बहुत इजी नहीं होता 9th या 8th ग्रेड की लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए. बट स्टिल अब ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो अब जो चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल हो गई. स्कूल में सिर्फ 2 दिन ही जाना पड़ रहा है हफ्ते में, तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम नहीं जाना पड़ता, तो स्टिल दे आर इन्जॉइंग. सो दैट्स अबाउट देम. उसमें 1.5 मीटर का डिस्टेंस है, एक जो बच्चा है वो एक स्टूल पे बैठ एक जो बच्चा है वो एक चेयर पे बैठ सकता है, और देन 1.5 मीटर का डिस्टेंस है. जब हम अंदर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना है, बाहर निकलना है तो मास्क लगा के जाना है. तो जो स्कूल्स हैं उसमें ये सारे मेजर्स लिए गए हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ विद ऑल द रेस्टोरेंट्स, ऑल द मॉल्स, एंड जहाँ पर भी सुपर मार्केट है, जो भी शॉपिंग प्लेसेस हैं जहाँ भी ज़्यादा लोग हैं, कि जब आप अंदर घुसते हो तो आपको मास्क लगाना है, एंड देन इट्स जहाँ पर भी आप बैठते हो मास्क हटा सकते हो, एंड देन इट्स ऑल गुड. तो या दिस इज़ अबाउट द करोना सिचुएशन हेयर इन जर्मनी. आप बताना कि ये लोग ने जो मेजर्स लिए हैं, इज़ इट गुड, बैड, और यू फील कि कुछ और भी करना चाहिए था? हमारे इंडिया वर्सेस अगर जर्मनी में देखें तो दे हैव टैकल इट वेरी गुड. आई मस्ट से दे हैव टैकल इट वेरी गुड. Now it's time for us to react about this, and maybe we can learn so many things with Germany, how they are tackling and how they have tackled and how they come out from this situation. So guys, okay. Now video hum log end karte hain. Agar video acha laga ho to like, share and subscribe. Bye bye till next time. Tschüss.